जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। विद्यार्थियों, आज आपको मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन का जिस मतलब परिचय जिस आई वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट ऑल्सो अबाउट साउथ अमेरिका इन यूरोप, बट टुडे आज जो मैं आपको कुछ जानकारी जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन अ वर्ल्ड। पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो एज वी एवरी वन नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस तरह ये जो भी उसमें से हम जो आज आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वह है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो हियर इज यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 91, यहाँ आपके इस पेजेस के अंदर आपको दो पिक्चर्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, और ये यहाँ है क्रिस्टोफर कोलंबस। देखो, एज वी एवरी वन नो, जैसा हम जानते हैं कि कोलंबस ने खोज की अमेरिका की। अब ये देखिए, वो वैसे तो भारत में आने वाला था, लेकिन बाई मिस्टेक गलती से वो अमेरिका पहुंचा और 1492 के अंदर उसने अमेरिका की खोज की। तो अब हम यहाँ सीधे से पेज नंबर 91 को ध्यान में रखें। सबसे पहले यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखिए रॉकी चेन ऑफ माउंटेन का पिक्चर दे रखा है, ग्रैंड क्लोराडो स्टेचू ऑफ लिबर्टी, फिर नीचे जो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड, देखो द नेम अमेरिका इज कैप्ट नॉट ऑन द नेम ऑफ डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी उसके नाम पर नहीं रखा गया है क्रिस्टोफर कोलंबस, बट ऑन द नेम ऑफ इटालियन डिस्कवरर एम्ब्रिगो वेचुस्पिकी। तो यहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग की किस तरह, देखो यहाँ शिप का पिक्चर है, फिर इसके बाद में एम्ब्रिगो वेचुस्पिकी जो है यहाँ पे नाम दिया है। तो चलो लेट्स स्टार्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। श्रुति ही हैज सेंट द एल्बम ऑफ पिक्चर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम न्यूयॉर्क। श्रुति आपकी क्लासमेट है और वो अमेरिका में पढ़ती है, और उसने आपके लिए कुछ पिक्चर्स भेजे हैं, रॉकी चेन ऑफ माउंटेन, और उसके बाद में नेक्स्ट में ग्रैंड क्लोराडो स्टेचू ऑफ लिबर्टी। अब उसके माध्यम से यहाँ हम लोग देखिए, सबसे पहले यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो भाग है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंसिस्ट, जिसके अंतर्गत देखिए कैनेडा, मेक्सिको एंड कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड ये जिसका स्प्रेडिंग है, इट स्प्रेड 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए इसका जो एक्सपांसन कितना बता रखा है, टोटल स्प्रेडिंग कितना है, 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग ऑलमोस्ट 16% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 16% भाग, 16% पार्ट कवर कर रखा है। द
द नेटिव ऑफ दिस लैंड आर नॉन एज रेड इंडियंस। अब जहाँ वो लोग रहते हैं उनको हम रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। द न्यू कल्चर ऑफ अमेरिका हैज डेवलप्ड बिकॉज एक्सटर्नल अटैक एंड इम्पैक्ट। उसके बाद में आप यहाँ पेज नंबर 92 के ऊपर आप नेचुरल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका का यहाँ आप मैच देख सकते हैं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम अंटार्कटिक ओशन। आप देख लें अंटार्कटिक ओशन जो दे रखा है ऊपर के पार्ट में, तो नॉर्थ अमेरिका का जो एक्सटेंशन है फ्रॉम आर्कटिक ओशन है इन द नॉर्थ टू पनामा इन साउथ। इन नॉर्थ टू पनामा इन साउथ पार्ट के अंदर जो एक्सटेंशन है। नॉर्थ पोल पासिस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कैनेडा। कैनेडा के नॉर्थ पार्ट से नॉर्थ पोल पासिस होता है फ्रॉम नॉर्थ कैनेडा। और इन दिस वे आर्कटिक सर्कल पासिस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिको। और यहाँ जो सर्कल है आर्कटिक सर्कल वो सेंट्रल मैक्सिको से पास होती है। अमेरिका कॉन्टिनेंट इन 1954 किलोमीटर लॉन्ग इट्स विथ एंड नॉर्थ कैनेडा इज 6033 किलोमीटर विच इज रिड्यू जो कम होता है 482 किलोमीटर साउथ सच देट द साउथ एरिया नेरो। इसलिए जो साउथ का पार्ट है वो सकड़ा है। एंड एज द विथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज मोर और नॉर्थ अमेरिका की विथ है वो ज़्यादा है। और ये जो टाइम बेल्ट इज डिवाइड इंटू फोर इसके टाइम जोन को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ द स्नो लेडन माउंटेन। अब ध्यान देना नॉर्थन पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थन पार्ट जहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जो माउंटेन हैं कैनेडा और अलास्का और ग्रीनलैंड वहाँ पे स्नो है स्नो लेडन माउंटेन और वहाँ पे कैनेडा अलास्का और ग्रीनलैंड में दस इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए ये जो भाग है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन दिस लैंड हैज फॉर्म मैनी लेक। लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से इन जगहों पर कुछ लेक्स हैं द फाइव ग्रेट लेक। अब पांच जो उसकी प्रमुख है उसमें से देखिए सुपीरियर हुरोन एरी ऑन्टारियो एंड मिचिगन मेक नेचुरल बाउंड्री बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा। इसके बाद हमने देयर आर वास्ट प्लेन इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा वास्ट प्लेन एरिया है। द रिवर लाइक मिसिसिपी जैसी मिसूरी और मैकेंजी मेक द एलिवल प्लेन। ये जो नदियाँ हैं जिन्होंने अमेरिका का प्लेन बनाया है इस भाग को फर्टाइल विच इज नॉन एज प्लेन्स सो पेरिस जो पेरिस प्लेन ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेस इज बेस्ट फॉर फार्मिंग। और ये जो प्लेस है हमें नॉर्थ अमेरिका का ये बेस्ट फॉर फार्मिंग ऑफ व्हीट विच आर वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात है जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देर आर टू स्पेशल चैन ऑफ माउंटेन इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर दो माउंटेन ईस्ट और वेस्ट स्पेशल चैन बनाते हैं। देर इज ए रॉकी चैन ऑफ माउंटेन। और वो कौन कौन सी चैन है ध्यान दें रॉकी चैन और वेस्टर्न कोस्ट एरिया। इसके बाद में माउंट मैकिनली
अलास्का इज द हाईएस्ट पीक। स्कीमो कम्युनिटी ऑफ अलास्का लिव्स इन स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब यहाँ एक्सकीमो जो कम्युनिटी है अलास्का के अंदर रहती है, जो इग्लू मतलब बर्फ से बने हुए मकानों में रहती है। हियर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। अब इस क्षेत्र में हमें अलग प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, लाइक रेंडियर, सिल, वॉलरस एंड वाइट बियर। तो इस तरीके से इसका जो एक्सपांसन है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ उसके बारे में हमने स्टडी की। अब यहाँ के क्लाइमेट, नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करिए। इन नॉर्थ अमेरिका द नॉर्थन कैनेडा अलास्का एंड माउंटेनियस रीजन देर इज ए टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम वहाँ के क्लाइमेट की बात करें कैनेडा अलास्का माउंटेनियस रीजन के अंदर, तो वहाँ पर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट है। अब विच इज़ टू कोल्ड एंड ड्राई, बहुत ही ठंडा और ड्राई सूखा। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्लाइमेट इज अनफेवरेबल इन साउथ मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, द टेम्परेचर इज हाई इन द कोस्टल एरिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर द क्लाइमेट इज अनफेवरेबल, क्लाइमेट अनफेवरेबल है इन साउथ मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, द टेम्परेचर इज हाई इन द कोस्टल एरिया ऑफ द मॉडरेट क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल होती है। फिर टेक्सास की बात करें तो टेक्सास एक्सपीरियंस सीवियर साइक्लोन विच इज नॉन एज टॉर्नेडो, जिसको टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। इट स्टक यूएसए, जो यूएसए से टकराता है एंड डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी बेडली एंड मैनी पीपल लॉस देयर लाइव्स। तो डियर स्टूडेंट, आपके यहाँ पे कुछ यहाँ आप और पिक्चर्स पेज नंबर 93 के ऊपर दे रखे हैं, और इसे देख करके ध्यान का काम करें। देखें, देखो यहाँ पे माउंट मैकिनली अलास्का फर्स्ट है, फिर प्लेन ऑफ प्रेरिस के पिक्चर दे रखा है, रिवर कॉलोराडो ग्रैंड, फिर इसके बाद में आपका निलगासा फॉल्स है, वॉल्केनिक प्रोटेक्टल मेक्सिको है और मिड टोरिड फॉरेस्ट। इसके बाद में यहाँ पे फिश के भी पिक्चर्स, कुछ एनिमल्स के पिक्चर भी दे रखे हैं। स्टूडेंट, इनके ऊपर आप इसको नोट्स लिखें और नेक्स्ट में हम लोग कंट्रीज कैनेडा के बारे में डिस्कस करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।